झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता सीता की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। प्रिय भक्तजनों, आज हम सीता नवमी के अवसर पर आपको सीता नवमी की पौराणिक व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू शास्त्रों में जितना महत्व श्री राम नवमी का है, उतना ही सीता नवमी का भी है। कहते हैं इस दिन राजा जनक को हल जोतते समय माता सीता मिली थी। तो आइए भक्तों, सुनते हैं सीता नवमी का महात्म्य और व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। राजा जनक ने स्वयं ही जाकर खेतों में हल जोता। उनके हल की नोक से सहसा कुछ टकराया है। राजा जनक ने देखा तो एक मटका पाया है। उस मटके के भीतर मिली उन्हें एक अद्भुत कन्या। राजा जनक ने उसको अपनी पुत्री मान लिया। हल के नोक को भक्तों सीता बोला जाता है। सीता नाम तभी इस कन्या का तब पड़ जाता है। पुत्री प्राप्त हुई जनक तो भूले नहीं समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही राजा जनक घोर अकाल पड़ने के कारण स्वयं ही हल जोत रहे थे, तब उन्हें माता सीता प्राप्त हुई। इसलिए वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को माता का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखना एवं माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सीता नवमी को होने वाली विशेष पूजा विधि। अष्टमी तिथि को स्नान ध्यान से भक्तों निर्वृत होकर तोरण मंडप बनाना चाहिए किसी शुद्ध भूमि पर। और मध्य में चकोर वेदिका करनी चाहिए स्थापित। उस पर कर मूर्ति की स्थापना धातु से निर्मित। स्वर्ण रजत और ताम्र पीतल अथवा मिट्टी की हो। माँ सीता के साथ ही जिसमें श्री राम भी हो। अष्टदल कमल पर विधि पूर्वक कलश को स्थापना करके व्रत संकल्प लेना चाहिए राम नाम को सिमर के। नवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा फिर करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। Thank you.
भक्तजनों, सीता नवमी का व्रत रखने वाले भक्तों को अष्टमी के दिन ही किसी शुद्ध भूमि पर तोरण मंडप का निर्माण करना चाहिए एवं मंडप के मध्य में सुंदर चौकोर वेदिका पर भगवती सीता एवं श्री राम की मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। ये मूर्ति स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल अथवा मिट्टी यथा संभव जिस भी धातु की हो स्थापित करें। मूर्ति के अभाव में चित्रपट से भी काम लिया जा सकता है। जो भक्त मानसिक पूजा करते हैं उनकी तो पूजन सामग्री एवं आराध्य सभी भाव में होते हैं। भगवती सीता एवं श्री राम की प्रतिमा के साथ पूजन के लिए राजा जनक, माता सुनैना, पुरोहित शतानंद जी हल और माता पृथ्वी की भी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। नवमी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर माता जानकी और श्री राम का संकल्प पूर्वक पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम पंचोपचार से श्री गणेश जी और भगवती पार्वती का पूजन करना चाहिए। फिर मंडप के पास ही अष्टदल कमल पर विधि पूर्वक कलश की स्थापना करनी चाहिए। यदि मंडप में प्राण प्रतिष्ठा हो तो मंडप में स्थापित प्रतिमा या चित्र में भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए एवं प्रतिमा के वस्त्रों को स्पर्श करना चाहिए। भगवती सीता का श्लोक के अनुसार ध्यान करना चाहिए। आज के दिन माता सीता का पूजन करने से सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, जो भक्त सीता नवमी का व्रत करते उन्हें सीता नवमी व्रत की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। मारवाड़ क्षेत्र के एक नगर में देव दूत था ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता था और वो बड़ा ही धर्म परायण। शोभना नाम की पत्नी उसकी बड़ी ही रूपवती, रूप पे अपने अभिमान जो बड़ा थी करती। भिक्षाटन के लिए ब्राह्मण जब भी बाहर जाता, पुरुष मित्र उस ब्राह्मण का कोई उससे मिलने आता। कुसंगत में फंस कर हो गई वो व्याभिचार में प्रवृत्त, पर पत्नी के कुकर्मों को ना जानता है देवदत्त। चर्चे निंदित कर्म के गांव में हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। प्रिय भक्तजनों, देवदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही रूपवती थी और देवदत्त साधारण रहता था। जब भी देवदत्त भिक्षा मांगने के लिए किसी दूसरे गांव में जाता तो उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष को मित्र बना लेती एवं उसके साथ व्यभिचार में लिप्त हो गई। देवदत्त को तो इस बात की खबर नहीं हुई, किंतु गांव वाले उसके इस निंदित कर्म की खूब चर्चाएं करने लगे। गाँव बहुत छोटा सा था और लगभग सभी झोपड़ियों में रहते थे। एक दिन जब देवदत्त भिक्षा मांगने दूसरे गांव गया तो उस ब्राह्मणी ने अपने पुरुष मित्र से कहा, यदि हमारी मित्रता की खबर मेरे पति तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। हमारी मित्रता के बारे में सभी गांव के लोग जान ही गए हैं, अतः इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। अपने मित्र से ब्राह्मण ने फिर एक दिन यही कहा, मित्रता है हम दोनों की सबको एहसास हुआ। ग्रामवासी कोई मेरे पति के कानों को भर दे, क्यों ना इससे पहले इनका कोई उपाय कर दे। पुरुष मित्र बोला, है प्रिय बोलो क्या करना है, तेरे पति के हाथ हो लेकिन
पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मणी और उसका मित्र गांव की सभी झोपड़ियों में आग लगाकर गांव से कहीं दूर भाग गए। आग लगने से झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोग जलकर मर गए। जब देवदत्त आया तो उसे अपनी पत्नी के इस कृत्य से बहुत दुख हुआ और वह सन्यासी हो गया। उसकी पत्नी भी अपने पुरुष मित्र के साथ व्यभिचार में लिप्त रहते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई और अपने कर्मों का फल तो उसे भोगना ही था। अतः उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ और वो चांडालिनी बनी तथा उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया और नेत्रहीन भी हो गई। पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसको मिल गया। एक चांडाल के घर में उसका अगला जन्म हुआ। दुष्कर्मों के भी देख न पाए। भीषण दुख अपने पिछले कर्मों के भोग रही। इधर उधर भटके सुधि लेने वाला कोई भी नहीं। जहाँ जहाँ भी जाती उसको लोग मारते ठोकर। भूखी प्यासी भटके भोजन मिलता नहीं समय पर। दुष्कर्मों के फल उसके सब आगे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। माँ सीता का कर ध्यान, श्री राम देंगे वरदान। जनों, उस चांडालिनी को सभी घृणा की नजर से देखते और कुष्ठ रोग होने के कारण कोई उसके निकट भी ना जाता। एक बार देव योग से भटकती हुई वो कौशलपुर पहुंच गई। संयोग वश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नौमी थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नौमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वो दुखी होकर वहाँ उपस्थित लोगों से प्रार्थना करने लगी। हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान कीजिए, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहते हुए वह श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई कनक भवन में प्रवेश कर गई और उसने पुनः पुकार लगाई, मैया कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भोजन दे दो। से व्याकुल थी वो, उसने मांगा भोजन। एक भक्त चांडालिनी के नजदीक है फिर आया। सीता नौमी का उत्सव है आकर उसने बताया। आज तो भोजन नहीं मिलेगा किंतु कल है पारण। कल आ जाना मिलेगा तुमको पेट भर के भोजन। से व्याकुल उसने निवेदन फिर किया। तुलसी जल प्रदान उसे फिर भक्त ने कर दिया। तुलसी जल पीते ही प्राण पूरे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सीता का कर ध्यान, श्री राम दे।
कौशलपुर के कनक भवन आकर उसने जब भोजन मांगा तो भक्तों ने उसे बताया आज सीता नवमी है, आज भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण है, तुम कल आ जाना, तुम्हें ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु कई दिनों से भूखी प्यासी होने के कारण वह बार बार भोजन के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो एक भक्त को उस पर दया आ गई। उसने उसे तुलसी जल प्रदान किया। तुलसी जल पीते ही उसकी मृत्यु हो गई, किंतु अनजाने में उसे सीता नवमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त हो गया। चंडालिनी से चाहे अनजाने में ही हुआ, किंतु माता सीता ने प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग लोक में स्थान दे दिया। अनेकों वर्षों तक आनंद पूर्वक सुख भोगने के पश्चात वो कामरूप देश के महाराज जय सिंह की पटरानी कामकला के रूप में विख्यात हुई। व्रत की पौराणिक कथा, व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि व्रत न किया हो तब भी कथा को सुनना परम कल्याणकारी माना जाता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से प्रमाणित होता है कि सीता नवमी का व्रत कितना कल्याणकारी है। एक व्रत के कारण ही एक चांडालिनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, तत्पश्चात वो महारानी बनी। ऐसा कल्याणकारी है माता सीता नवमी का व्रत। भक्तों को मिलती है बड़ी कृपालिनी भक्तों
शारदा सिमरन। लाखों भक्त जिसे सुनकर कृपा को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनक नंदिनी माँ सीता को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते।